ऐसा कोई बात नहीं सर, आपको चलते हम सेवन से हट जाते हैं। बैठिए सर, 12 साल को एक आवेदन पड़ा था सर, कुआं में जल जीवन हरियाली सरकार एक तरफ महत्वाकांक्षी योजना ला रही है, दूसरी तरफ वहाँ पे मिट्टी भराई हो रहा है। न्यूज फॉर बिहार के खबर का हुआ असर, सोनहौला अंचल अधिकारी हुए निलंबित। सोनहौला में भूमि से संबंधित 3 दिन पहले एक खबर दिखाया गया था जिसमें दबंगों द्वारा खून में मिट्टी भराई कर अवैध दखल करने का प्रयास किया जा रहा था। ग्रामीण के शिकायत करने के 22 दिन के बाद भी नहीं की गई थी कोई कार्रवाई। इस मामले की हकीकत को संवाददाता द्वारा बखूबी दिखाया गया। जब अंचल अधिकारी से सवाल किया गया तो वो कैमरे में चैम्बर छोड़ते हुए नजर आ रहे थे। इसके अलावा पहले से भी और भी कई आरोप अंचल अधिकारी पर लगते रहे हैं, जिसको लेकर जांच टीम ने कार्रवाई करते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय के द्वारा सोनहौला अंचल अधिकारी अजय कुमार एवं जगदीशपुर अंचल अधिकारी को भारी अनियमितता को लेकर निलंबित कर दिया गया है। भागलपुर से रुपेश कुमार राज की खास रिपोर्ट। समीक्षा प्रांत बहुत काम अच्छे तरीके से किए भी जा रहे हैं, बहुत जगह लापरवाह कर्मचारी पदाधिकारी साबित हुए हैं, उन पर कार्रवाई भी की गई है। उदाहरण के तौर पर मैं बता देना चाहता हूं कि जो हल्का कर्मचारी जहां सबसे वर्स्ट काम कर रहा है और वह बहुत अच्छे जगह पर बैठा हुआ है, वैसे लोगों को आदेश दिया गया है कि उनको सुदूर इलाके में वहाँ पोस्टिंग किया जाए। जो लोग गाँव में रह के अच्छे काम कर रहे हैं उनको शहर में ला करके अच्छे से काम कराया जाए। जो दो अंचलाधिकारी हमारे हैं, एक सोनहौला और एक जगदीशपुर के हैं, जो काफ़ी वर्स्ट उनका परफॉर्मेंस था, इस आधार पर निलंबित किया गया है। बाकी यहाँ पर हमारे कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि सर मैं आपको आश्वासन देता हूँ, हम लोगों ने अभी जो आपका लेटर आया, लेटर आने के बाद हम लोगों ने जो बैठक की तैयारी शुरू की, बहुत सारे चीज़ सामने में आ गए कि 4-5 दिन में शुद्ध किया गया। उसी तरह मैंने आदेश दिया है कि कमिश्नर अपने स्तर से डीएम का मीटिंग करेंगे जिला में बांका जाके भागलपुर, और डीएम लोग एडीएम से मिलकर के उसका बैठक करेंगे, और डीसीलार सीओ